हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर की S1 की यूनिट 1, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे बरचस्प की। आप लोग के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और हम लोग तैयारी इस प्रकार से करेंगे कि आप लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके हमारे लेक्चर से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे S1 की यूनिट 1, जिसमें पिछले क्लास में, अभी देखते हैं हम लोग कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब देखते हैं हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या कर लिया है। जो लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे बिल्कुल सिलेबस की तरीके पढ़ाई होती है, और ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है कि बस इतना पढ़ लो बहुत है। नहीं, एक एक टॉपिक को पढ़ना है, और जो सिलेबस में है पर्टिकुलर वो सारे को मैं कराऊँगा और प्रॉपर ढंग से कराऊंगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम लोग चलिए अब बातचीत बिना किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग ने क्या क्या देखे थे यूनिट 1, जो समकालीन भारतीय समाज और चुनौतियाँ और शिक्षा है, जिसमें हम लोग विविधता को देखे थे, असमानता को देखे थे, वंचना को देखे थे, ठीक है। हम लोग सत्ता को भी देख लिए थे, और आज हम लोग देखेंगे बरचस्व को, ठीक है। बिल्कुल 1x1 टॉपिक के अनुसार हम लोग चलेंगे, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिरोध को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बरचस्व। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, बरचस्व एक वर्ड है। देखिए, बरचस्व का मतलब क्या होता है? हम लोग जिस समाज में रहते हैं उन समाज में बहुत तरीके के लोग होते हैं। कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ मीडियम वर्ग के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो अपने शक्ति से, वो मान के चलिए आजकल के समय में ज़्यादा जो है पैसे की शक्ति ज़्यादा आजकल चलती है, तो आजकल अपने शक्ति से जो समाज में किसी पे दबाव डालते हैं, ठीक है, अपने शक्ति का किसी के ऊपर दबाव डालते हैं और अपना प्रभाव उस पर डालते हैं, वो हमारा कहलाता है बरचस्व। हम लोग शिक्षा के विषय में देखेंगे कि शिक्षा के ऊपर बरचस्व का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो बरचस्व का अर्थ क्या है? समाज में किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा किसी पे दबाव डालना कहलाता है बरचस्व। एक लाइन में टू द पॉइंट आंसर, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सर एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? एग्ज़ाम में लिखेंगे, सबसे पहले मैं एग्ज़ाम में लिखने का भी आज मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कैसे आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे। सबसे पहले बरचस्व, मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप लोग बरचस्व लिखेंगे ऐसे, और इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से, या फिर आप ब्लू से लिखते हो तो ब्लैक पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हो। पेंसिल से अंडरलाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इसको अंडरलाइन करोगे आप लोग, और उसके बाद आप लोग लिखोगे बरचस्व का अर्थ है किसी समाज में शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा प्रभाव डालना। हमारे समाज में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, कुछ अमीर वर्ग, कुछ गरीब लोग, लेकिन इसमें जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं या फिर जिसके पास पावर होते हैं, शक्ति होते हैं, वो चाहते हैं एक दूसरे पर दबाव डालना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया बरचस्व क्या है। अब हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक है इसको प्रभावित होने वाले कारक बताइए। देखिए, बरचस्व से क्या क्या प्रभावित होते हैं, बेसिकली हम लोग शिक्षा के संदर्भ में देखेंगे, तो 1x1 हम लोग सारे पॉइंट को डील करेंगे। देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक, आप ये एग्ज़ाम में कॉपी पे ये लिखोगे ये लाइन, इसको प्रभावित करने होने वाले कारण, फिर स्टार दे के अपना पॉइंट लाओगे और फिर इसको डील करोगे। अगर आप ये टॉपिक लिखोगे तो उसको अंडरलाइन जरूर करना, ऐसे देखने में अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी, ठीक है। इसको अंडरलाइन जरूर करना, और ये जो आपका मेन टॉपिक है इसको अंडरलाइन भी करना, और इसको डैश दे के इसको आप लोग एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट भी वैसे जो हमारा टॉपिक है इसको अंडरलाइन करोगे और इसको डैश दे के इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आप लोगों को समझ बेहतर हुई। देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारण क्या है? अच्छी संस्था में प्रवेश। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, जिसको जान पहचान के होते हैं, वो अपने पैसे के बल पे जो है अपने बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, और क्या होते हैं इससे मेरिट वाले बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं और उनका नाम मेरिट लिस्ट में आता ही नहीं है, और इससे क्या होता है, शिक्षा प्रभावित होता है। तो अच्छी संस्था में प्रवेश दिलाने के लिए कोई जान पहचान के लोग होते हैं, वो कोर्स पैरवी करके अपने बच्चे का दाखिला दिलवा देते हैं, चाहे वो पढ़ने में कैसे भी हो, और इसके नतीजा स्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पढ़ने वाले, जो अच्छे बालक है, उनका नाम मेरिट में नहीं आता है और उसका अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं हो पाता है। तो ये हमारा हुई अच्छी संस्था में प्रवेश, इसका एक कारक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे में परीक्षा में अच्छे अंक के लिए दबाव। देखिए, जो समाज में
जो प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका वर्चस्व समाज में है वे क्या करते हैं, वे करते हैं कि शिक्षक पे जबरदस्ती दबाव डालते हैं कि हमारे बच्चे पे, हमारे बच्चे को अच्छे अंक दिए जाएं, नहीं तो हम आपका ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका मनोबल गिर जाता है कि हमने इतना मेहनत किया हमें नंबर नहीं आया, और ये देखो इसके पिताजी ये हैं, ये इसका कोर्स है, पैरवी है, ये प्रभावशाली व्यक्ति है तो इसका हमसे ज़्यादा नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा ही परीक्षा में अच्छे अंक के लिए दबाव डालना। ठीक है, देखिए नियुक्ति और स्थानांतरण, हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने वर्चस्व के कारण, अपने शक्ति के कारण, अपने पैसे के बल पर रिश्वत दे के अपना नियुक्ति करवा लेते हैं, अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लेते हैं। ठीक है, जिससे जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है, वो हताश होते हैं, निराश होते हैं कि हम इतने पढ़ाई लिखाई करके हमारा नाम मेरिट में नहीं आया, हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिले, अपॉइंटमेंट लेटर हमें नहीं मिला। और स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफ़र, आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसी वर्ग के लोग का उसका तबादला हो गया, तो कुछ ऐसे समाज में प्रभावशाली व्यक्ति है जो वर्चस्व के, जो अपना वर्चस्व दिखा कि इसका ट्रांसफ़र उधर करवाते हैं, आप लोग फिल्में वगैरह में देखे होंगे, ये हमारा रोल मॉडल है कि अरे ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र ये करा दूंगा, यहाँ ट्रांसफ़र करा दूंगा वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारे समाज में जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनका वर्चस्व रहता है तो इन तरीके का काम करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग हो गया नियुक्ति और स्थानांतरण देख लिया, नेक्स्ट है साक्षात्कार को प्रभावित करना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान के चलिए कि हम कोई भी रिटेन एग्ज़ाम पास किया, ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी कोई भी रिटेन एग्ज़ाम पास किया, और ए जो है वो भी गया नेक्स्ट जो स्टेप है इंटरव्यू के लिए, और बी भी गया इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ए के जो पिताजी है वो बहुत पैसे वाले हैं, बी का जो है वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो ए जो है उसकी फैमिली, उसके पिताजी या फिर वो क्या करेंगे कि वो रिश्वत देंगे, घूस देंगे कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं हमारे बच्चे का यहाँ पे साक्षात्कार में पास कर दीजिए, भले ही वो कैसा भी हो, उसके मेरिट बी से कम हो, फिर भी जो है वो रिश्वत दे के आगे अपना काम करवा लेगा, तो ये साक्षात्कार को प्रभावित करेगा। तो इस केस में क्या होता है, ये भी एक कॉज है, ये भी एक कारण है, साक्षात्कार को प्रभावित करता है क्या, वर्चस्व। ठीक है, नेक्स्ट है योग्य की अपेक्षा अयोग्य को वरीयता, इसको हम लोग समझते। देखिए हमारे समाज में क्या होता है, योग्य को वरीयता नहीं देकर अयोग्य को वरीयता दी जाती है, इसलिए क्योंकि अयोग्य व्यक्ति जो है वो कम वेतन पे काम करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जो योग्य है उसको तो वेतन चाहिए क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड है। तो हमारे समाज में ऐसा भी होता है कि जो अयोग्य है उसको वर्चस्व के कारण जो है उसको नौकरी मिल जाता है और योग्य को जो है नहीं मिल पाता है, तो ये एक हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना है कि योग बैठा है और अयोग्य को नौकरी मिल जाता है क्योंकि वर्चस्व के कारण। ठीक है, तो ये हमारी थी वर्चस्व के बारे में आज का टॉपिक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।